नाना ने ऐसी खड़ूस शक्ल क्यों बना रखी है? लगता है जरूर नाना नानी में कोई कहासुनी हुई है। आई हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो नीचे की मिसेस मुरली है ना, उन्होंने हम दोनों को न्योता दिया है, और ये देखो ना, आने को मना कर रहे हैं। क्यों बुलाया उन्होंने? एक सत्संग के लिए। अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? गुड पॉइंट नाना जी, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। जो मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ वहाँ जाके? देखो तुम्हारा दिमाग वैसे भी थोड़ा हटके है, मुझे क्या पता तुम क्या करती हो, मुझे इस बकवास में शामिल नहीं होना। देखो बेटे, देखो कैसे बोल रहे हैं। ठीक ही तो है, वहाँ जाकर पकने से तो अच्छा है कि नाना जी घर पर ही बैठे रहें। मामा, तुम्हें भी हर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे इगतपुरी वाले गुरुजी काफी नहीं है? अरे मम्मी, हर इंसान की अलग अलग हॉबीज होती हैं। नानी को तो बस फ्रॉड साधुओं का शौक है। हाँ बेटी, वो तो है ही, वो अपने है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये बाबा अमेरिका से आए है। अरे वाह, आजकल नानी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनती जा रही है। और ये देखो, आने को मना कर रहे। अगर उन्हें नहीं आना है तो क्यों जोर दे रही हो? तुम अकेली जाओ, सेकंड फ्लोर पे ही तो है, जाओ। अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो? जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। आई, कितनी देर लगा दी तुमने? अरे अमृता, लगता है तुम्हारे आई अंधी होकर लौटी है। आई कुछ कहो तो। ये जेवरों की, ये वस्त्रों की मुझे क्या जरूरत है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लो नानी तो पूरी सटिया गई। ये घर, ये पैसा, ये बच्चे, पति, ये सब इंसान के बनाए हुए है, सब माया है। आई तुम ये क्या कह रही हो? यही पूर्ण सत्य है पुत्री। पुत्री? मुझे सत्य का पथ मिल गया है। क्यों, इम्पोर्टेड पैकेजिंग में सत्य बेच रहा था क्या वो स्वामी? नानी वैसे ही बहुत ज्यादा बोलती है, पर आज कुछ ज्यादा ही हो गया। आज मेरे जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो गया है। क्या क्या हुआ है तुम्हारा? ट्रांसफॉर्मेशन। स्वामी मन के आनंद आज से मेरे गुरु ही नहीं, मेरे मुक्ति दाता, मेरे भगवान है। आई तुम उन्हें कुछ देर के लिए मिलकर क्या आई हो, और वो तुम्हारे मुक्ति एंड व्हाटएवर सब कुछ हो गए? और तुम्हारे इगतपुरी वाले गुरुजी, उनका क्या हुआ? उन पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब अमेरिका वाले गुरु मिल गए हैं तो इगतपुरी वाले कैंसल? ये कैसा नाम है, मणिक्यानंद? मणिक्यानंद यानी के मन का आनंद, मणिक्यानंद। क्या थकीला नाम है। कल मैंने स्वामी जी को घर पे बुला लिया है। क्या, क्यों? वो कुछ दिनों के लिए यही आश्रय लेंगे इस घर में। हमारे घर में कोई नॉर्मल मेहमान क्यों नहीं आते? उसके बाद मैं भी उनके साथ सत्य के पथ पर यात्रा करने को निकल पड़ूंगी। आई तुमने हमारे बारे में सोचा नहीं, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? पुत्री ये रिश्ते, ये नाते, ये बंधन, ये सब मोह माया है। नानी हर बात में माया को बीच में क्यों लाती है, कौन है ये माया? विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। आ गए आप लोग, आने में इतना विलंब। हम ये खरीदने गए थे। क्या गए सर? शब्दकोश। क्या करते, जब तुम शुद्ध हिंदी में खाना मांगती हो तब अमृता तुम्हारे बाल सवारने लगती है। आप चलिए, मैं स्वामी जी से आपका परिचय करवाती हूँ। क्या मणिक्यानंद आ गया? सत्या भाई, तू इससे मिल चुकी है? अरे मैडम, सुबह से माजी ने इधर खड़ा कर दिया, घर में कक्का भी मारने को नहीं दिया, और कहा इनसे आशीर्वाद लो। अंदर चलिए। प्रभु जी, मैं आपसे सबका परिचय करवाती हूँ। ये लोग सब इस घर में मेरे साथ निवास करते हैं। अरे नानी, ये कैसा अजीब इंट्रोडक्शन है? इनके साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है। मतलब मैं इनका पति हूँ। और इस विवाह बंधन से उत्पन्न हुई हमारी पुत्री ये अमृता है। और ये है मेरे और मेरे पति के विवाह से उत्पन्न हुआ हमारा पुत्र देव। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं रामायण का कोई कैरेक्टर हूँ। और ये है चेला आत्माराम। और ये है चेला मुक्तिराम। कैसा रहा अमेरिका का सफर? नाना जी, आप तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे ये आपके बचपन के दोस्त हों। स्वामी जी के साथ इस तरह से बात करते हैं क्या?
मैं बोल तो रहा हूँ, ये कुछ बोलती नहीं। बोलना आवश्यक नहीं होता पुत्र, कई मनुष्य वाणी का सही उपयोग नहीं करते। ये धारणा है कि मुख है तो बोलना चाहिए, सही नहीं है। मैडम ये क्या बोल रहे लाए? एक मिनट अभी पढ़कर बताती हूँ। गुड क्वेश्चन। तेरे मन में शंका है पुत्र, तू मुझ पर विश्वास न करे तो भी ठीक है, परंतु जीवन की सरलता पर विश्वास कर मूर्ख मनुष्य। चलो किसी ने नाना को भी बेवकूफ कहा। अरे इसने मुझे मूर्ख कहा? एक तो जान ना पहचान और तू तड़ा कैसे बातें करता है। मैडम ये बहुत बोल रहा है, तब तक मैं झाड़ू कटका करके आओ। पहली बार देख रहा हूँ सत्याबाई अपना काम करने के लिए इतनी उतावली हो रही है। है भाग्य नारी, तेरी भी आंखों पर इस मूर्ख की तरह माया का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे फिर से मूर्ख का? ये आदमी तो बेचारे नाना के पीछे ही पड़ गया है। मैं तेरी शुद्धि कंचन से करूंगा। ये कंचन कौन है, दूसरा नौकरानी? कंचन यानी सोना। सोना? बड़ी लालची निकली सत्याबाई, एक सोने की अंगूठी क्या मिली, स्वामी की भक्त हो गई। थोड़ा सा जल मिलेगा। थोड़ा सा कहीं को ज्यादा मिलेगा, ये लो। ऐसे नहीं ग्लास में। अच्छा, मेरे को लगा ऐसे पिएंगे आप लोग। प्याज बुझ गए? कंठ की तृष्णा बुझने में समय नहीं लेती, पर ये जो हृदय की तृष्णा है उसका मैं क्या करूं। हिंदी में बोल, यानी कि हिंदी में बोलो। वैसे आपको गुरु जी के कौन से चेले हैं, आत्माराम के मुक्तिराम? मुक्तिराम। अच्छा, अगर प्रेम से बुलाना हो तो मुक्ति बुला लीजिएगा। मुक्ति, ठीक है, मैं प्यार से मुक्कू बुलाऊं? मुक्कू? हाँ मुक्कू भी चलेगा। मुक्कू एक काम करो है ना, आपके गुरु जी को बोलो कि जैसा मेरे को ये अंगूठी दिया ना, वैसा मेरे को दो हाथ का पंगड़ी और एक हार भी दियो, मेरा सेट बन जाएगा ना। प्रयत्न अवश्य करूंगा देवी। देवी तुम एक और बार पानी पियो। नहीं धन्यवाद। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। बाबा ये क्या, आप यहाँ सोएंगे? तुम्हारी माँ के स्पिरिचुअल गुरु ने आदेश दिया है। मतलब? मतलब कि आपसे मैं इधर बाहर सोऊंगा और तुम्हारी माँ दूसरे कमरे में। नाना के बुरे दिन चल रहे हैं, अपने ही कमरे से निकाल दिए गए। लेकिन क्यों? माया बेटी माया, तुम्हारी माँ मोह माया से दूर होना चाहती है, अब हम सब उसके लिए कुछ भी नहीं। वो साला मणके नंदी सब कुछ है। क्या इसका मतलब मैं भी नानी के लिए कुछ नहीं? विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। लीजिए, यही एक कमी बाकी थी। अरे आई, ये क्या पहन रखा है तुमने? आज से यही मेरे वस्त्र हैं। मनुष्य की सुंदरता वस्त्रों से नहीं उसके कर्मों से होती है। आज से मैंने सिंगार और जेवरों को त्याग दिया है, मोह माया से मुक्ति पा ली है। बाबा अब क्या होगा? बेटी मुझे तो लगता है जो भी होगा मंजूरे मणिकानंदी होगा। आप लोग अब जल्दी सो जाइए, कल सुबह प्रार्थना के समय स्नान करके तैयार होना है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। देवी मैंने एक निश्चय किया है। आज्ञा करे प्रभु। आपकी भक्ति की शक्ति को देखकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं आपको अपने संग में शामिल करूंगा और अपने ऑस्ट्रेलिया के आश्रम में आपको गुरु माता का स्थान देना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया? प्रभु मैं बहुत प्रसन्न होकर ये कार्य करूंगी, मैं कभी फॉरेन गई नहीं हूँ। तो फिर आप मन के आनंद आश्रम के लिए 2 लाख रुपए दान में दे दीजिए। 2 लाख? बाकी कार्य आत्माराम संभाल लेगा। लेकिन प्रभु इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? फिर वही माया,
देवी प्रभु की भक्ति हृदय में रखकर निकल पड़, पथ अपने आप मिल जाएंगे, परंतु यह कार्य तुम्हें 3 दिवस में करना होगा। मगर प्रभु। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। क्या? मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। आई तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? स्वामी मन के आनंद के आश्रम के फंड में डालने हैं। उसने तुमसे इतने पैसे क्यों मांगे आई? क्योंकि मैं उनके संघ की सभासद बन गई हूँ और उनके ऑस्ट्रेलिया के आश्रम की गुरु माता चुनी गई हूँ। अरे ऑस्ट्रेलिया क्या, ये अगर तुम्हें झुमरी तलैया भी ले जाएगा ना तो मेरा नाम बदल देना। आई 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, कहाँ से लाओगी तुम? इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मेरे संन्यास लेने के बाद मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगी। कृपया इस आखिरी बार मेरी सहायता कीजिए। अरे उस स्वामी को अब पैसों की माया कहाँ से आई? त्याग नहीं दिया उसने पैसे का मोह? वो अपने लिए थोड़े ही मांग रहे हैं, वो तो आश्रम के लिए मांग रहे हैं। मैं उस ढोंगी मणिकानंद को 1 पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं देना है तो कुछ नहीं, मैं अपने सारे जेवर उनके चरणों में डाल दूंगी। हाँ, अरे तुम क्या कह रही हो? विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। जी करता है उस स्वामी की मैक्सी में आग लगा दूं। जो मन में आता है कभी से बोलते रहते हैं। ये क्या रीत है, हद होती है हर एक बात की। एक पहाड़ में इतना कम पैसा करने का आदमी समझ आना चाहिए कि नहीं उसको भी? क्या भाई, इतना क्रोध अच्छा नहीं। अरे क्या अच्छा नहीं है माँ जी, आप भी किन पाखंडियों के चक्कर में पड़े ली है? सुबह सुबह बोले सत्या भाई, साधु संतों के विषय पर कटु वचन अच्छा नहीं। अरे माँ जी आप कुछ नहीं समझती है, देखो वो साधु महाराज ने जो मेरे को अंगूठी दिया था ना, एकदम नकली है, देखो आप। तेरे मन में खोट है इसलिए प्रभु की दी हुई भेंट में भी तुझे खोट नजर आती है अभागन। अभागन जो मिलता है मेरे को अभागन काई को बोलता है, मेरे समझ में नहीं आता है। वो सब जाने दो माँ जी, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि उस नासपीटी ने तुम्हारे के ऊपर क्या जादू खेला है। अरे पहले से वो 2 मुस्टंग देखो लेके अपने घर में डेरा जमा के बैठा हुआ है, कितना खाता है कितना पीता है। अरे उसकी सेवा कर करके मैं आधी हो गई ली है, और आप समझना ही नहीं चाहती है, उसके विषय में कुछ सुनना भी नहीं चाहती है। ऊपर से आपके पास उसने 2 लाख रुपया मांगा, 2 लाख। मेरे को तो लगता है वो गुंडा है ना, ये सब ले लाके चंपत हो जाने वाला है। हे प्रभु इस नादान बालिके को क्षमा कर देना, उसे सद्बुद्धि देना, विश्व शांति। ये क्या कर रही है अभागन तू? क्या ढूंढ रही थी यहाँ पर तू? नहीं मैं है ना साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू मार। मिथ्या मिथ्या बोल रही है तू। तू मेरे कार्य में बाधा डालने आई थी या फिर यहाँ कुछ चोरी करने आई थी? क्या तू ये चाहती है कि मैं सबसे कह दूं? ए स्वामी के बच्चे, तेरे को क्या लगता है आप उनका कोई इज्जत वगैरह नहीं है क्या? तू इन लोगों को बोलेगा कि मैं चोरी करने के वास्ते आई थी और ये लोग मान लेगा क्या? चोरी तेरा काम है और मैं इधर तेरा भांडा फोड़ने के वास्ते आई थी। अभागन नारी अपने विचारहीन बातों से मुझे क्रोधित न कर। ए हिंदी में बोल, मैं भी तेरा जवाब दे गया। बस और मैं सह नहीं सकता, अपने भक्ति और शक्ति के जोर पे मैं तुझे शराब देता हूँ कि तू अपने बदन को खुजला खुजला कर मरेगी, ये मेरा अभिशाप है। अरे ये लोग हंस क्यों रहे हैं? चलो कुछ जासूसी की जाए। बुड्ढे अब जाके ठीक से फंसी है, पैसों का इंतजाम कर रही है। उसके जीवर के जितने भी पैसे मिलेंगे काफी है। गुरु जो पैसे मिले लेके निकल लेंगे, कभी बुड्ढे का दामाद आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बड़े कमीने निकले ये तो, देवी से बुड्ढे बुलाने पर उतर आया नानी को। धीरे बोल। धीरे बोलिया ऊंचा, मैंने तो सब कुछ सुन लिया है मन के आनंद बच्चू। गुरु इस वक्त इस कमरे में कोई नहीं आने वाला है, पूजा क्यों? क्यों?
क्योंकि ये समय स्वामी मन के आनंद के विश्राम का जो है। वो भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जासूसी करने आई थी इस कमरे में। मैंने भी उसे ऐसा डरा दिया, श्राप दे दिया खुजली का। देख ना, अब स्वामी की दाढ़ी में तिनका। परेशान हो गई, ये सब अंदर रखने का है, इतना सारा काम करने का है, और शी बाबा ये इधर रखने का, ये इधर रखने का। आई गो, कब से मेरे को क्या हो रहा है। इस आप हमारी प्रार्थना में पधारिए। मैं मणिकानंद के प्रार्थना में नहीं आऊंगा, सब बकवास है। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। स्वामी जी कृपया द्वार खोल दीजिए, प्रार्थना का समय हो गया है। गुरु कहाँ उतार के रखी थी आपने दाढ़ी अपनी? अरे गुरुदेव पूरा कमरा छान मारा, तो बुढ़िया भी टक 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 लगा रहे। और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे प्रभु। गुरुदेव लगता है ये बुढ़िया दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगी। प्रभु गुरुदेव गुरुदेव ये कपड़ा बांध के निकल आते हैं। प्रभु आगे मैं संभाल लूंगा, जल्दी। महाराज आपने हर तीसरे बृहस्पतिवार को गुरुदेव इस तरह से ही मुंह पर वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा बाप रे, डाकू लग रहा है। प्रभु प्रभु मेरे को माफ कर दे, मेरी गलती है कि मैंने आप पे विश्वास नहीं रखा। प्रभु प्रभु मुझे आपके अभिशाप से मुक्ति दे दे। देव, अरे ये क्या है, ये क्या है बेटा? हाँ ये दाढ़ी, अरे दाढ़ी। मणिकानंद तेरा भांडा फूट गया। मेरे को भूल हो गई, मेरे को माफ कर दे, कर दे। है भागी नारी, अपने मन से भय को निकाल, मैं अपने चमत्कार से तेरी पीड़ा को दूर करूंगा। माया है, माया है, माया है, माया है, माया है, माया है। बाबा आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी? बेटी ये भी एक माया है, माया है, माया है। तो बच्चों जो मैं कह रहा था, जो सत्य होता है वो कई बार सत्य नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, वो झूठी होता है। ये देखिए मर गया गुरु, और इस ढोंगी की शक्ल भी देखिए, किसी भी एंगल से स्वामी दिखता है ये। प्रभु आपका ये रूप? मेरे तो कई रूप है, अवतार अवतार भी है तुम्हारे। हाँ अब कौन बचाएगा तुझे? विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। बोलो स्वामी देवानंद की जय।